नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी जी? अभी मैं थोड़ा एटीएम आया हुआ था पैसे निकालने के लिए, पैसे निकाल लिए। बाकी जी थैंक यू आप सभी ने जो हमारा पहला वीडियो था इस नए चैनल पर, काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी सपोर्ट दिया और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे। आगे की बात करते हैं घर पहुँच के। जी हम पहुँच गए हैं घर, अब कल में देख रहे होंगे जिया को लेटी हुई है। असल में क्या है, इसका तबीयत खराब हो गया है, सुबह से ही बहुत तेज फीवर है इसको, कुछ दवा दिया है, देखते हैं अगर दवा से ठीक नहीं हुआ फिर इसको लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। सॉरी, शिमला का ब्लॉग आज डालना था, हमने आप सभी से प्रॉमिस किया था इंस्टाग्राम के लाइव के टाइम, हमने कहा था कि हम शिमला का ब्लॉग लाएंगे, कल डालने वाले थे तो कल थोड़ा वीडियो लेट आया क्योंकि वो सारा वीडियो था टिकटॉक के ऊपर, हमारे फोन में ज्यादा वीडियो था नहीं शिमला का। एक जानू एंड प्रिंसी है, दोनों क्यूट बच्चे हैं, वो रहते हैं यूएसए में, उनसे रिक्वेस्ट हमने किया कि आप वीडियो दे दो हमें, तो उन्होंने फिर भेजा वीडियो, तो थोड़ा लेट हो गया उसी चक्कर में, तो सोचा कि आज हम शूट करेंगे। आज जब शूट करने की बारी आई तो जिया बीमार हो गई कुछ। हाँ अब क्या करें, अब ग्रह नक्षत्र लग रहा है जी कुछ है, जब भी हम कुछ बोलते हैं ऐसा कुछ करने वाले हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, सोती है ही नहीं, कह रहे हैं सो जाओ थोड़ा सा। आँख मेरा जल रहा है, समझते ही नहीं मेरी प्रॉब्लम। आँख जल रहा है, पूरा लगा दी ना विक्स मेंथो प्लस जो भी था, सब दिक्कत इस बात का है, बीमार तो पड़ गई है लेकिन अब खाना बनाना पड़ेगा। अब क्या किया सवेरे, काम करने वाली आई नहीं है, पता है शायद इसी वजह से बीमार पड़ी है। आज हम बनाएंगे अपना, हमको जो खाना बनाने आता है, दाल भात आलू का भुजिया, उससे ज्यादा और क्या बनाएंगे। कभी होता नहीं है भुजिया बनेंगे, मेरे से ज्यादा कोई अच्छा बनाता है। आप आलू का भुजिया बनाते हो, सत्तू कहाँ पर है, कहाँ है सत्तू, नींबू है, बहुत बढ़िया। आप अपना नाश्ता करते हैं और तुम अपना आराम करो। जी मैं जा रहा हूँ अभी बिस्किट लेने के लिए, बात क्या है घर में जितना भी बिस्किट रहता है हम पूरा खा लेते हैं, खत्म हो जाता है। तो जिया के लिए कुछ ले लेते हैं, उसको कुछ खाने में अभी सही लग नहीं रहा है तो कम से कम बिस्किट तो खा लेगी। ये ले लिया बिस्किट जी, और अब घर पहुंचते हैं, घर पहुंचकर जिया को दे देंगे ये और अपना खाना बनाने का तैयारी करते हैं। पत्नी बीमार पति लाचार, यही हाल है जी। पिछले बार तो हमसे भुजिया जल गया था, देखते हैं इस बार कैसा बनता है। तो आज मुझे बनाना है भिंडी का भुजिया, करेला का भुजिया और आलू का भुजिया, दाल चावल, बनाना है रोटी भी, तो रोटी हमसे होता है नहीं बनाया हुआ, आटा को गूंथ के रख देंगे तो वाइफ को बोलेंगे कि थोड़ा बहुत तुम कर दो इसमें, बस खाली रोटी पका दो, यहाँ कुर्सी लगा के बैठा देंगे उसको, अपना करेगी। तो चलिए हम पहले सब्जी तो काट लें। दिया कितना करेला, एक की दो, ठीक है। What do I have to say to keep you back by my side? करेला तो फाइनली कट गया, अब भुजिया कटने की बारी है, आलू भुजिया जो मेरा फेवरेट है। फाइनली आलू का भुजिया भी कट गया है, अब आलू का भुजिया काटने के बाद अब बारी आती है इसे पकाने की, आलू की भुजिया, भिंडी की भुजिया, करेले का भुजिया, ये तीनों बनाते हैं और उसके बाद फिर दाल चढ़ा देंगे। दाल चढ़ाने के बाद बचा चावल और रोटी वो भी कर लेंगे। कुकर है जी, दीदी आ गई है तो मेरा कम से कम बर्तन और झाड़ू पोछा का टेंशन बच। जी भिंडी का भुजिया बन गया, करेला का भुजिया बन गया, दाल बन गया और अब आलू की भुजिया चढ़ा करके रखे हैं, ये भी कुछ देर में बन जाएगा, तब तक अपना आटा मिला लेंगे। जब आटा हो जाएगा मिलाया हुआ तब जिया को बुलाएंगे कि थोड़ा रोटी सेक दे और फिर उसके बाद चावल, तो 5 मिनट का काम है भी हो जाएगा। फिर मजा आ रहा है कुकिंग करने में, ऐसा नहीं है कि मजा नहीं आ रहा है। लेकिन वही की थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है। हम आटा ले आए हैं और उधर महारानी साहिबा को देखिए मोबाइल बैठ के दबा रही है, बैठ के नहीं लेट के। बहुत बढ़िया, मौज करो ना, आज ही भर राज है तुम्हारा। और आज आपको पता चलेगा कितना मेहनत लगता है, क्या मेहनत लगता है कुछ। इसलिए हम एक डब्बा एक्स्ट्रा लाए थे कि हम भी खा लेंगे तुम भी थोड़ा खा लेगी। जी इसका जलेबी बनाना है क्या, इतना गीला कर दिए। अब गीला हो गया क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी। बहुत डायलॉग दे रहे थे कि बन जाएगा मेरे, आज बहुत अच्छा खाना बनाएंगे। अनुभव नहीं है क्या करेंगे, तो अनुभव लिया करो। कोई नहीं, अब इसको ऐसे दबा दबा के सुखा देंगे। वेरी गुड, थोड़ा सा फूक फूक के सुखा खाएगा आपके हाथ का घी नक्कर वाला खाना।
हिमाचल वाला खाना तुम खाएगी। चलो कोई बात नहीं, बनाओ, देखते हैं। आप लोग भी देखो कैसा आज खाना बना रहे हैं मेरे पतिदेव। गूंदा हुआ हो गया है, फाइनली उतना गीला नहीं हुआ जो सोचा था जी। रोटी का तो मुझसे हो नहीं पाया, अंत में बुलाना पड़ गया जिया को, सॉरी जिया, इस बुखार में उठाने के लिए। और इधर हमने चावल चढ़ा दिया है, अब जानते हैं बिहार वाले चावल नहीं खाए तो फिर हमारा भोजन ही नहीं पचता। क्या करके रखे हैं, कितना अच्छा तो रखे हैं सब कुछ। बिल हम देते हैं, बैठ जाओ तुम, बेलते हैं हमें। पागल कहेंगे तो हमको सीखना भी तो है, बनाना सीख लेंगे तो खराब थोड़े है। जैसे आज देखो बनाना पड़ा ना हमको, जी जिया का तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, तो मैंने कहा दिया छोड़ो, अब हमसे जैसा बनेगा हम खुद ही बना लेंगे। भगवान जाने कैसा रोटी बनेगा, जैसा बनेगा कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। अगर ये भी जलेगा ही तो पांच रोटी में से दो ही सही बना है, आखिरी रोटी देखते हैं कैसा बनता है। ऐसा बना जी, हो गया मेरा। हे भगवान, क्या क्या करना पड़ेगा। और पापा को खाना खिलाने के बाद अब हम लोग जाते हैं खाना खाने के लिए। खाना क्या बताऊँ कैसा बना है खाना। हाँ जी, अब जो है खुद खाना खाने बैठते हैं, और ये इधर पूरा बिस्तर उस्तर का कवारा कर दिया है, कभी इधर उछल के जा रही है, कभी उधर उछल के, यानी कि शांति से सो जाए। A few moments later. और जी ये लग गया हमारा खाना, चावल, दाल, आलू का भुजिया, करेला का भुजिया, ये दही, और जिया को रोटी और उसका फेवरेट आलू का भुजिया। तो बताओ कैसा लगा खाना। बहुत अच्छा है। भुजिया कैसा बना है। अच्छा बना। रोटी तो थोड़ा जल गया है, चबाया नहीं जा, ठंडा हो गया इसलिए वो रबर हो गया होगा। चलिए जी अब हम खाते हैं। ये भी हम बनाते ना। हाँ। कितने डायलॉग पढ़ते पता नहीं। कोई बात नहीं, चलो खाओ आप, अच्छे से खाओ, बाकी दही है ही बगल में। My own conversation.